अरुण जी, पार्टी, आप युवा हैं, पार्टी ने आपको मौका दिया है, पिताजी क्षेत्र में लंबे समय से यहाँ राजनीति में सक्रिय है, अच्छी पैट आपको आपको जो टिकट मिली है, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या? ऐसा है, ये टिकट मेरे पिताजी की और हमारे परिवार की, परिवार यानी भाजपा परिवार की ईमानदारी का प्रतीक है, और उस ईमानदारी के प्रतीक के स्वरूप ही उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदार व्यक्ति को ही ये टिकट देती है, और उसी के अनुरूप ये टिकट दी गई है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? ऐसा है, जिस तरह बालोतरा और आसपास के गांवों के अंदर जो स्थिति इन 5 सालों में हुई है, बिजली, पानी और सड़क की, उस स्थिति को हम देखते हुए जो तमाम युवा कार्यकर्ता और बुजुर्ग यहां के जो भी हैं, उन्होंने जो 5 साल अपना दर्द झेला है, उस दर्द को दूर करने के लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये मांग करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप मुझे माला मत पहनाइए, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा है, मेरे लिए यही काफी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता तो ये माला उसी दिन पहनी जाएगी जिस दिन इन क्षेत्र के अंदर कुछ विकास की गंगा बहाई जाएगी, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूं। टिकट मिलने में जिस तरह से देरी हुई, आज अंतिम समय पे ये सूची, क्या कारण है इस टिकट को मिलने में इतना टाइम लगा, क्या मंथन चला, क्या आप लोगों के पास फोन आए, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स चल? ऐसा है, पचपदरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 100% जीतेगी, उनको इसलिए उनको दूसरी टीम जो जहाँ पे सीटें मजबूत नहीं थी उनको निकालने में टाइम लगा, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की पचपदरा सीट जो है 101% जीतेगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, इसलिए उन्होंने देरी की, ये आराम से जीत लेंगे, कोई बात नहीं, इनको कम दिन भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, ये 100% जीतेंगे। देखा जाता है उनको टिकट मिलती है, 4 को नहीं मिलती है, तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी कहीं सामने आई, तो उसको भी फेस करना पड़ेगा, किस तरह से? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक राय कमल का फूल, और कमल के फूल को हमने सभी ने बैठ करके सभी ने कहा था कि जो कमल को फूल को लेके आएगा हम उसी के साथ रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी आदरणीय मेरे बड़े भाई हमारे इस कमल के फूल को स्वीकार करते हुए, मेरा खुद का है, मैं उन्हें नतमस्तक होते हुए और उनको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ दे और मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि उन यहाँ पर जीतूंगा मैं, लेकिन काम सभी यहाँ की पूरी जनता करेगी, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, इस बार जो भी यहाँ पे काम रहेगा जो कार्यकर्ता का रहेगा, जिस तरह इन्होंने बंदरबाट जो कांग्रेस सरकार ने यहाँ मचाई है, उस बंदरबाट को हम खत्म करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पार्टी की एक मुख्य धारा थी कि वंशवाद के खिलाफ है, आप के पिता की राजनीति में, अब आपको टिकट मिली है, ये जो आरोप अब लगेंगे या लोगों में बातचीत होगी, उसको कैसे समझा? ऐसा है, वंशवाद मेरे अकेले के प्रति हुआ हो तो मैं आज ये टिकट तो छोड़ने को तैयार हूँ, ये तो पार्टी के सभी पार्टियों में होता है, अगर मान लो कोई व्यापारी होता है तो व्यापारी का बेटा उस दुकान को जहाँ तक है अगर वो कोई काम नहीं करेगा दुकान वही चलाएगा, तो ये कई सर्वदित है, अगर मैं अच्छा क्योंकि सारे नेताओं के लड़के कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन मेरी योग्यता और मेरे मापदंड उन्होंने देखते हुए उन्होंने मेरे को स्वीकार किया है, मैं उस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद।